भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। कि माननीय अखिलेश जी ने कहा कि 10 मार्च के बाद हम प्रदेश में भर्ती निकाल देंगे और सब बेरोजगार नौजवानों की भर्ती करेंगे। चुनावों को लेकर जनसंपर्क तेज हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सागंज में। सागंज विधानसभा से विधायक शैलेंद्र यादव ललई जी हैं। सर, आपका स्वागत है। कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियाँ? अब ये तो आपको जनता से पूछना चाहिए। जहाँ तक तैयारियों की बात है, हम तो उन लोगों में से हैं जो 5 साल चुनाव लड़ते रहते हैं। वो कुछ लोग हैं जो चुनाव 1 महीने लड़ते हैं। हम तो 5 साल जनता के बीच रहना, लोगों से मिलना जुलना, उनके सुख दुख में शामिल होना, यही हम तब भी करते रहते हैं, हम चुनाव में भी करते रहते हैं। और इस बार मैं कई चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार एक अलग तरह का चुनाव है। इस बार जो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा सरकार है, स्वयं उसे प्रदेश की जनता हटाना चाहती है। इसलिए जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है भाजपा को हटाने के लिए और माननीय अखिलेश जी को लाने के लिए। तो मुद्दे क्या हैं इस बार? आप भी 4 बार से विधायक हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, समस्याएं देख रहे होंगे और कुछ समस्याओं का निस्तारण भी हुआ। अब क्या मुद्दे हैं? मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोगों के दवाई और पढ़ाई का इंतजाम न हो पाना, कोरोना के दौर में जनता के साथ सरकार के खड़े न होना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और गांव में छोटा जानवर, किसान को खाद और बीज न मिल पाना, किसान की उपज सरकार द्वारा खरीदा न जाना, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर जनता बहुत आक्रोशित है। 5 साल बेमिसाल दावे हैं सरकार के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने पैसे अपने प्रचार में 5 साल में खर्च किया, अगर वो जनता की भलाई के लिए खर्च किया होता तो शायद हर अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट लग गया होता। ये भारतीय झूठ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। इसको अब जनता जान चुकी है, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। अब तो गर्मी और ठंडी की बात आ गई, गर्मी शांत करने की बात कही जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। मैं नहीं समझता एक सन्यासी, एक पीठाधीश्वर, एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का अगर प्रयोग करता है तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती। उनका सही जवाब हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने दिया कि माननीय अखिलेश जी ने कहा कि 10 मार्च के बाद हम प्रदेश में भर्ती निकाल देंगे और सब बेरोजगार नौजवानों की भर्ती करेंगे, नौकरियां देंगे। आखिरी प्रश्न सर, जनता के बीच में जा रहे, कैसा रुझान आ रहा है? जहाँ मैं हर गांव में जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आपके यहाँ मुझे कितना वोट मिलेगा, तो सब लोग कहीं कहते पिछली बार से 1.5 गुना, कोई कहता पिछली बार से 2 गुना। ये है रुझान। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। ये विधायक शैलेंद्र यादव ललई जी हैं, जिन्होंने बताया कि मुद्दा विकास का है, सागंज के विश्वास का है। सागंज की जनता किसे अपना विधायक चुनती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।